एप्पल इंक के पार्टनर फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत में एक नए प्लांट पर करीब $700 मिलियन यानी करीबन 5,700 करोड़ का निवेश करने का ऐलान कर दिया है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। अमेरिका चीन के बीच बढ़ता तनाव इस चीज का कारण बना है। चीन से मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट की जा रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और कोरोना महामारी के बाद एप्पल समेत कई अमेरिकी टेक दिग्गज चीन के बाहर ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के विस्तार के लिए काम कर रही हैं। मामले से जुड़े लोगों ने बताया है कि ताइवान की कंपनी ने बेंगलुरु में एयरपोर्ट के करीब 300 एकड़ की साइट पर प्लांट बनाने का प्लान बनाया है। ये फैक्ट्री पार्ट्स बनाने के साथ साथ एप्पल के हैंडसेट भी असेंबल कर सकेगी। फॉक्सकॉन अपनी इस साइट को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के लिए कुछ पार्ट्स का प्रोडक्शन करने के लिए भी यूज कर सकती है। जानकारी के अनुसार भारत में इस प्लांट के बनने से लगभग 1,00,000 जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। आपको बता दें, चीन के झेंगझोऊ में कंपनी के विशाल आईफोन असेंबली कॉम्प्लेक्स में इस समय लगभग 2,00,000 कर्मचारी काम करते हैं। हालांकि पीक प्रोडक्शन सीजन के दौरान ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत में फॉक्सकॉन का ये इन्वेस्टमेंट अब तक का उसका यहाँ किए जाने वाला सबसे बड़ा सिंगल इन्वेस्टमेंट है। आपको बता दें, एप्पल ने 2017 में आईफोन SE के साथ भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी। एप्पल के तीन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पार्टनर यानी फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन है। यहाँ आईफोन SE के बाद भारत में आईफोन 11, 12 और 13 की मैन्युफैक्चरिंग भी की गई है। एप्पल के तीनों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भारत सरकार की 41,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI का हिस्सा हैं। इस स्कीम के बाद ही भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है। 2020 में भारत सरकार ने PLI स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम से बाहर के देशों की कंपनीज को मौका मिलता है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का फायदा उठा सकें, साथ ही उस पर इंसेंटिव भी कमा सकें। हालांकि फिलहाल ज्यादातर आईफोन की असेंबलिंग चीन में ही होती है। क्या कारण है इसके पीछे? क्या वहाँ लेबर कॉस्ट कम है? इन्वेस्टोपीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन कर्मचारियों का औसत वेतन चीन में $10 प्रति घंटा है। वहीं टॉप कमाई करने वाले लोगों की लगभग $27 प्रति घंटा की इनकम होती है। हालांकि एप्पल के CEO टिम कुक के अनुसार चीन में मैन्युफैक्चरिंग का कारण लो लेबर कॉस्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो एप्पल अपने फोन को और भी सस्ती जगहों पर बना सकता था। कुक के अनुसार मुख्य कारण टूलिंग इंजीनियरिंग में ज़रूरी स्किल्स हैं। उनका दावा है कि स्पेसिफिक स्किल सेट अब US में उपलब्ध नहीं है, लेकिन चीन के पास एक्सपर्टीज है। आपको बता दें, अमेरिका में सबसे कम कीमतों पर आईफोन मिलता है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग के बावजूद अमेरिका की तुलना में आईफोन वहां महंगा बिकता है। ऐसा करेंसी फ्लक्चुएशन और चीन में लगाए जाने वाली भारी भरकम वैल्यू एडिड टैक्स के कारण होता है। इसी तरह भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग के बावजूद आईफोन अमेरिका की तुलना में काफ़ी महंगा बिकता है। अमेरिका के बाद हांगकांग, जापान ऐसी जगहें हैं जहां पर आईफोन सस्ते में मिलता है।